वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जदों आपां परिवार विच रहिंदे आं तां एक दूजे दे नाल जुड़े हुंदे आं, साडे दुख साडे सुख सांझे हुंदे ने। जे एक परिवार विच रह के हर एक बंदा अपने सुख नूं अगे रखे, अपने सुख नूं ही तरजीह दवे, तां उत्थे फिर कलेश पैण लग पैणगे, लड़ाइयां होण लग पैणगियां। जदों असीं दूजिआं दे दुख सुख समझण लग पईए, उहनां वल ध्यान देईए, तां असीं फिर उस परिवार विच उस घर विच खुश रह पावांगे, उस परिवार विच उस घर विच सुख शांति कायम रहेगी। कई बार की हुंदा है कि बच्चिआं नूं माता पिता कोई सलाह दिंदे ने, बच्चे उहनां गल्लां नूं समझ नहीं सकदे जां फिर सुण के भी अणसुणिआ कर दिंदे ने। पर याद रखियो, जे परिवार की खुशी तो अपनी खुशी नूं ज़्यादा मन्नांगे तां उसका प्रभाव साढ़े पूरे परिवार ते पवेगा, साढ़े घर ते पवेगा, घर की सुख शांति उसके नाल प्रभावित होवेगी। जिस परिवार विचों एक दूजे लई सुख नूं त्यागन की भावना नहीं, उत्थे हमेशा सुख शांति कायम नहीं रह सकती। तो जिथे एक दूजे लई सुख नूं त्याग देंदे ने कि चल भाई मैं तेरा काम कर दिना, तेरे नाल मैं मदद कर दिना, चल तेरे लिए अज मैं पहला उठ पवांगा, कोई गल नहीं तेरे काम दे विच मैं हाथ वटाउंदा, जे मैनू लेट भी हो जावांगा मैं सौण दे विच मैनू कोई दुख तकलीफ नहीं। अजिहे घर दे विच अजिहे परिवार दे विच हमेशा शांति रहिंदी है, हमेशा सुख रहिंदा है, खुशहाली भी रहिंदी है, उत्थे कलेश नहीं पैंदा, कदे भी लड़ाइयां उत्थे वास नहीं करदियां। एक दूजे दीआं खुशियां नूं अगे रखिए, घर विच अपने आप ही कलेश दा निपटारा हो जाणा है। सिर्फ हरेक काम विच जिथे अपनी खुशी वेखदे ने उत्थे फिर कोई हल नहीं हुंदा। पुराने समें की गल है, कहिंदे एक बार एक माता पिता ने अपने बच्चे नूं बड़े लाड नाल बड़े प्यार नाल पालिया, बड़ा उन्हूं दुनियादारी दीआं हरेक सुख सुविधावां दित्तियां। जे वह कोई भी काम कर लग्या करे तो कदे माँ टोक दिया करे, कदे प्यो रोक दिया करे कि नहीं तैनूं काम करन दी जरूरत नहीं, असीं ज्यौने आ, जिन्ना चिर ज्यौने आ तैनूं चिंता करन दी लोड़ नहीं, तू बस शुक्र कर कि तेरे माँ प्यो तैनूं जिहड़े मिले ने परमात्मा ने बहुत वधिया तैनूं मापे दित्ते ने। वह बच्चा जी इस तरह करके विगड़ गया। हुण जिन्हों कदे कोई ना बचपन दे विच तकलीफ आई ना जवानी दे विच, उसका विगड़ना सुभाविक सी, ना ही उन्हें कभी काम नूं हथ लाया, ना कभी डक्का तोड़ के दूरा किया। समां जदों पै गया, उन्दे मापे जदों बजुर्ग होण लग पए, बुढ़े हड्डां ने कमाई करनी छड्ड दित्ती, इत्थों तक कि खाण दे लई अन्न पाणी वी ना जदों जटा पावे, उधरों वह कुसंगती का शिकार हो गया सी, लोग उन्हूं माड़ियां मतां देण लग दे। फिर उसने एक दिन फैसला यह किया, व्याह होया सी, बाल बच्चों वाला सी, अपनी घरवाली नूं कहिंदा कि अपने कोले जिवें हुण खाण पीण दी समान दी साधना दी कमी आ गई है, इस तरह करदे आ मैं अपने मापिआं नूं किते दूर छड्ड आउणा किसी आश्रम दे विच। जे आश्रम वालिआं ने ना रख्या, उन्हां नूं जे पता लग गया कि अपने कोले पैसा टका सी सिर्फ अपनी मूर्खता करके गवाया, तां हो सकदा कि उह मना कर देण। जे अजे हालात बनिया तो फिर मैं इस तरह करांगा कि आउंदिआं होइआं इन्हां नूं किसी नहर तो किसी खूह ते तक्का दे आवांगा। ये गलबात उसके मापिया ने भी सुन ली, उसके छोटे बच्चे ने भी सुन ली। उसके छोटे बच्चे ने कहा कि बापू जी ये भी पता कर लियो कि वह की लेंदे ने आश्रम वाले, तो जां फिर मैनू भी नाल लै जायो, मैनू भी पता लग जाएगा कि आश्रम दे विच मापिया नूं किवें छड्ड के आईदा है, तो जे धक्का देना पिया तो मैं भी सीख लवांगा। वह कहिंदा पुत्र तुसी क्यों सीखनी है सारी गलबात। तां अगों उहदे पुत्र का जवाब आया कि फिर अज तो कोई 15-20 सालों नूं जां 25 सालों नूं मैनू भी तो जाना पवेगा, मैनू भी तो पता होवे आश्रम कित्थे है, किन्नी क दूर है, उत्थे किवें अपने मापिया नूं छड्ड के आईदा है, तो जे नहीं रखते तो किवें मापियां नूं खूह दे उत्ते खिलार के जां नहर दे कंढे तों धक्का देईदा है। इन्नी गल सुन ली तो वह अथरुआं नाल भर गया, उच्ची उच्ची रोन लगा, सीधा आपदे माँ प्यो दे कमरे च गया, उन्होंने जाके पैर फट ले, माफ़ी मंग ले। जे छोटे बच्चे नूं माँ प्यो पाल के वड्डा कर सकते ने, तां एक वड्डे इंसान नूं अपने माँ प्यो नूं संभालना पालना किन्ना औखा है। आपां सारिआं नूं अजकल बहुत सारे पाठ पढ़ाए जांदे ने, पर यह भी पाठ पढ़ना लाजमी है कि मापियां दे नाल किवें पेश आईए, मापियां दी इज्जत किवें करिए, उन्हां दी सेवा संभाल किवें करिए। मापे जदों बच्चा छोटा हुंदा है ना, तां एक चीज़ नूं 100 वारी भी पुछदा है, मापे कदी भी उत्ते खिजदे नहीं, गुस्से नहीं हुंदे। पर जदों उही बच्चा वड्डा हो जांदा तां मापे एक गल तो दूजी वार पुछदे है ना कि मैनूं सुनिया नहीं, मैनूं दुबारे दस दे, तां बच्चे दा जिहड़ा गुस्सा है वह बहुत ज़्यादा वध जांदा है, गल पैण तक जांदा है। किसी सियाणे सूझवान ने सच ही कहा सी,
कि मापियां दी कीमत उदों पता लगती है जदों वह जहानों रुखसत हो जाते हैं। सो इस करके परमात्मा दियां दित्तियां हुई सारियां नेमतां दे विच्चों मापे अव्वल ने। इस करके उन्हां दी इज्जत करिए, सेवा संभाल करिए, हर एक काम दे विच उन्हां दा साथ देईए। तो परिवार दे लई जेकर तुहानूं अपनी सुख नूं शांति नूं त्यागना पै जावे, त्याग के अपने परिवार के बाकी मैंबरां की मदद करिया करिए, सहायता करिया करिए, ताकि घर तों लड़ाई कला कलेश दूर रहे।